हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से आप सभी के लिए जो है चना दाल से बनने वाले पराठे की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बनाना बेहद आसान और सरल है। और इस तरीके से फॉलो करके आप बनाइए इस तरीके को, और ज़रूर से ज़रूर आप सबका पराठा एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा, कभी भी आपके पराठे फटेंगे नहीं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना भी आपको बनाना है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आप दाल को भिगा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दाल को भिगाया है रात को, शाम को यानी भिगा देंगे तो सुबह टाइम में बहुत अच्छे से ये फूल के तैयार हो जाती है। तो चलिए, दाल को मैंने अच्छे से छान लिया है एक छलनी में, और इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक पानी इसे और धुलेंगे अच्छे से, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा गंदगी वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। जी, मैंने पानी ऊपर से डाल दिया है। कितनी खिली खिली सी दाल हमारी ये फूल के तैयार हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, करेंगे साइड में। और इधर से लिया है मैंने जो है 6 से 7 कली लहसुन की और 4 मिर्च। मिर्च को अच्छे से काट लेंगे छोटे टुकड़ों में, मिर्च और लहसुन दोनों को। चलिए, इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सभी से, कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया आप सभी को, ये चने दाल से बनाने का जो है तरीका पराठा बनाने का, तो आप सभी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, यानी कहाँ से देख रहे हैं। तो मिर्च हमारे कट गए हैं, चलिए लहसुन को भी इसी तरह से काट लेते हैं। छोटे टुकड़ों में काटना है, बहुत बड़े नहीं काटना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं फ्रेंड्स तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं, बट आप खाते हैं तो ज़रूर डालिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, लहसुन से सोंधापन रहता है। तो ऐसे हम कट कर लेंगे लहसुन को। लीजिए, मैंने लहसुन और मिर्च को कट के साइड में किया है। इधर से मैंने गैस को ऑन किया और कढ़ाई को लिया है, डालेंगे तेल। तेल हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो है जो कटा हुआ हमारा लहसुन और मिर्च था, लहसुन मिर्च थोड़ा सा चटक जाएगा, तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। सभी को अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक तड़का का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और जस्ट ही जो है तुरंत डालेंगे हल्दी पाउडर, क्योंकि तेल में जाने के बाद बहुत ही जल्दी हल्दी हो जाती है। तुरंत बाद इसमें हम डाल देंगे चने की दाल जो हमने भिगा करके रखा था अभी धुल के, वो डालेंगे और 1 मिनट तक इसे ऐसे मिलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे ताकि अच्छे से ये पक के सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ये ज़्यादा खस्ता रहेगी, तो हमें इसको पीसने वगैरह में दिक्कत होगी। तो लीजिए, मैंने अच्छे से पका लिया है, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए, देख पा रहे हैं, चलाने से ही ये पता चल पा रहा है कि अच्छे से ये पक चुके, क्योंकि काफ़ी दालें इसमें फूट जा रही चलाते ही। तो बस इसे हम निकालेंगे यूँ ही एक प्लेट में अलग से, ताकि ये ठंडी हो जाए अच्छे से। तो लीजिए, मैंने सभी को जो है निकाल लिया है प्लेट में। अब इसे हम छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए पंखे की हवा में, ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी ये दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम चलिए पीस के दिखाते हैं आप सभी को। तो इधर से लिया है मैंने एक मिक्सी की जार, उसमें हम डालेंगे इस दाल को। चलिए, मैंने दाल को डाल लिया है, अब इसे हम पीस के तैयार करते हैं। तो पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से पानी डाल के इसे उबाला था, अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है, ऐसे ही ये पिस जाएगी।
तो लीजिए मैंने पीस के तैयार कर लिया है। अब इसे निकाल लेंगे उसी प्लेट में सभी दाल को। इधर से मैंने आटा गूंथ के पहले से ही तैयार किया था, तो चलिए इसे हम भर के फटाफट से बेलते हैं। छोटी सी लोई लेना है, जैसे हम लोग रोटी वगैरह नहीं बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आटा लेना है, और उसका थोड़ा सा जो है राउंड शेप में उसका चकली टाइप का बना लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पतला करना, गड्ढे बना के उसी में इसको स्टफिंग को भरना है। बस फटाफट से बेल के हमारे पराठे हो जाएंगे तैयार। तो देख पा रहे हैं कितने अच्छे से ये बिल जा रहे हैं, बिल्कुल भी फटने वाले नहीं हैं, ज़रा सा भी ना फटता है ना कुछ नहीं, एकदम सॉफ्ट और खस्ता ही हमारा जो है पराठा बन के तैयार होता है। कोई दिक्कत नहीं होती ना ही इसे बेलने में ना ही सेंकने में। तो चलिए तवा हो गया, अब इसे हम डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पराठे को सेकने का ये तरीका है कि थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, पहले हल्का सा हो जाए जस्ट तुरंत पलट देना है, उसके बाद फटाफट से इसमें तेल घी रिफाइंड जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएंगे, और लगाने के बाद तुरंत फिर से दूसरी ओर पलट देना है और दूसरी ओर भी फटाफट से इसमें तेल को लगा देना है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट हमारा पराठा बन के तैयार होता है। कोई भी पराठा आप बनाएं तुरंत जैसे ही पलटें उसमें झट से तेल घी लगा दें और अलटते पलटते हुए सेंके तो बहुत अच्छी छोटी छोटी सी चिट्टी बन के आती है, इतना प्यारा सा सिक जाता है ये पराठा हमारा। बस यूं ही इसे अलट पलट के घुमाते हुए सेंक लेंगे। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ना ही कहीं जला है ना कुछ नहीं, कितना अच्छे से ये हमारा पराठा बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को एक बार मैं फिर से याद दिला दूँ कि आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी को प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट पराठे को भी सेंक लेंगे। तो देख पा रहे हैं कच्चा ही रह जाए थोड़ा सा, बस पलटने लायक हो जाए तुरंत ही आपको पलटना है, उसके बाद झट से इसमें तेल को लगा देना है। उसके बाद दूसरी साइड को भी पलट करके इस साइड भी तेल को लगा देना है। एकदम कोई तामझाम नहीं है, कोई भी इसमें हमें ग्रीस करने वाला कुछ भी नहीं चाहिए, ग्रीसर वगैरह, बस कलछी से ही हम लगा करके बहुत ही सॉफ्ट पराठा सेक के तैयार कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही सभी को सेक के तैयार कर लेंगे। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। सभी पराठे को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो देख पा रहे हैं दूसरा को भी मैंने सेक लिया अच्छे से। तो आप भी खाइए बनाइए फ्रेंड्स, इन्जॉय कीजिए।